हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक और स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों आज है 8th of September जो कि लगभग जा चुका है। आपके पास टाइम बचा है 9, 10 और 11, यानी लास्ट के 3 डेज। इसमें किसी भी नीट एस्पिरेंट को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जब आप नीट में पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो पहले आप सेक्शन ए करें, सेक्शन बी करें। काफ़ी कुछ जानने को है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करूँगा और आपको एक रियलिटी बताने का प्रयास करूँगा कि कैसे आप सभी एग्ज़ाम में अपेयर हों। टॉपिक से बात करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप सीरियस हैं नीट एग्ज़ाम को लेकर तो ही इस वीडियो को देखें, अदरवाइज आप स्किप ले लें। आपके पास बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी जो कि आपको इंटरटेन कर पाएंगी। सबसे पहले एक बात समझिएगा कि जब भी एग्ज़ाम पास आए और आपके पास एक दिन, दो दिन, तीन दिन का टाइम हो तो उस कंडीशन में सबसे जो कहते ना इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हर वो चीज़ जो कि आपको कमज़ोर साबित करे या जो आपके दिल में नेगेटिव फीलिंग्स को जनरेट करे यानी आपको डीमोटिवेट करे, उन सब चीज़ों को आप बिल्कुल दूर कर दें, उनसे दूर हो जाएं और कोशिश करें कि अपने आप को हमेशा कहते ना कि ऐसे लोगों के संपर्क में रखें जो पॉजिटिव सोचते हों, जो अच्छा सोचते हों। इससे आपका जो ब्रेन है वो अधिक काम कर पाएगा, सक्रिय हो पाएगा और जब आप खुश रहते हैं दिल से तो आप अपना बेस्ट दे पाते हैं। ठीक है, फर्स्ट चीज़ ये हो गया। सेकेंड आपने करना क्या है कि अब आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए अभी आप एक दिन और। इसके अलावा जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर किया है या फिर जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उन्हीं को रिवाइज़ करते रहें ताकि जितना आपने फर्स्ट ईयर 12th का पढ़ा था वो एक बार फिर से दिमाग में फीड हो जाए, रिवाइज़ हो जाए ताकि जो कॉन्सेप्ट आप भूलें एक दो बार वो सब भी याद हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी प्रमोशन नोटिस, फिर हम बातें हैं थर्ड स्टेप को लेकर। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं और चाहते हैं अपकमिंग ईयर प्रिपरेशन के लिए तो आपके सामने अनअकैडमी के जो नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं आप अपने फेवरेट टीचर से जो बैचेस हैं इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 8th of September से। अब इसका जो मेन अपडेट आप देख रहे हैं यहाँ पर फी भी आपके सामने है कि आपको किस मंथ कितना पेमेंट देना है। अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है, आपको काफ़ी आपका पैसा बच सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ऐसे स्टूडेंट जो इस बार नीट एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी आपके पास एक और चांस है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में इनरोल होने के लिए, क्योंकि 9th of September को 2 से 5 होगा। 12th को आपका एग्ज़ाम है और उससे पहले आप ये देख सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा है, आपका क्या लेवल है, आप कितना स्कोर कर पाएंगे, क्या है आपका ऑल इंडिया रैंक। तो 9th of September को आप फ्री में इनरोल कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर मेरा कोड अभिषेक सिंह 01 यूज़ करना होगा जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, इसी के आधार पर आप जान पाएंगे कि इस बार एग्ज़ाम में आप कितना स्कोर कर सकते हैं। तो फटाफट इनरोल करें, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, कोड और लिंक आपको सब कुछ मिलेगा। बस ये जो स्टेप है आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक को यूज़ करें, टेस्ट को दें और देखें कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है अभी तक। अब फ्रेंड थर्ड स्टेप हमारा ये आता है कि हम जब एग्ज़ाम में अपेयर होंगे तो हम सेक्शन ए को मतलब स्टार्ट करें, सेक्शन बी से स्टार्ट करें। अब एक बात समझिएगा कि NTA ने कहा है कि सेक्शन ए के जो क्वेश्चंस हैं वो 35 क्वेश्चंस वो आपको कंपलसरी अटैम्प्ट करने हैं, वहाँ पर आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं होगा। तो आपने शुरुआत भी वहीं से करनी है। सबसे पहले आप सेक्शन ए के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करिएगा क्योंकि वहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप बी में जाएंगे तो आपको बी में 20 में से 15 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। आप पढ़ेंगे 20 क्वेश्चंस, उसमें से 15 अटैम्प्ट करेंगे और तक कन्फ्यूजन करें तो आपको काफ़ी समय लॉस हो जाएगा। इसीलिए सेक्शन ए पहले करिएगा, जो चीज़ें को क्वेश्चंस ना आ रहे हो, जिस पर डाउट है उसको स्किप कर दीजिएगा। जितने क्वेश्चंस में आप 100% श्योर हैं पहले उनको टिक कर लीजिएगा, उनको OMR में फिल कर लीजिएगा, फिर आप सेक्शन बी पे जाइएगा। सेक्शन बी में 20 क्वेश्चंस हैं, सबको पढ़ना है, समझना है। उन 20 क्वेश्चंस में से जो लास्ट के 15 क्वेश्चंस जिसमें आप बेस्ट हो लगता है कि हाँ मुझे आता है, उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लीजिए। फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो जो आपने सेक्शन ए में क्वेश्चंस को स्किप किए थे, इस पे आपको डाउट था, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके OMR फिल करिएगा। जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं पहले उन्हीं को अटैम्प्ट कर लीजिएगा और उन सबके OMR को अच्छे से फिल कर लीजिएगा। कई बार बच्चे पेपर पे अच्छा करके आते हैं, OMR पे गलत फिल कर देते हैं, फिर उनको नंबर्स नहीं मिलते हैं। इतना सा ही करना है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा है नहीं करने को। अब जो होगा वो देखा जाएगा, बस अपना बेस्ट दे के आना, बिल्कुल बुरा मत सोचना, आपके पास काफ़ी कुछ है करने को, तो फोड़ के आना। इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।